Hello, everyone, welcome to Aspire and Dream Civil Services channel for the UPSC and State PCS examination. आई एम गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटेड विद द यूपीएससीज फॉर दूपी पीसीड ऑन ट्वेंटी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो इस वीडियो को ध्यान से सुनी आपको जीएस पेपर फोर के लिए हेल्प करेगी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में भी यहाँ से आपको पता चलेगा की कैसे आंसर लिखना चाहिए एथिक्स का एथिक्स पेपर इज द पेपर वेयर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स तो आप इजिली यहाँ पर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं बस आपको कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि कैसे इसका आंसर लिखा जा सकता है और एथिकली आप यहाँ पर कैसे आंसर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको आज पूरा एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज के बारे में डिटेल में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको एग्जाम्पल्स लिखने चाहिए एग्जाम में और साथ ही साथ में आपको रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन बिल्डिंग डीज ह्यूमन एंड एथिकल वैल्यूज़ क्या है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने एग्जाम में इसको अप्लाई भी कीजिएगा सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज़ वीडियो से पहले मैं आपको एथिक्स की एक डेफिनेशन बताऊंगी जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज द ह्यूमन वैल्यूज रिलेटेड विद द एथिक्स तो इससे रिलेटेड जो है हम स्टार्ट करते हैं कि एथिक्स जो है एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो गाइड करता है ह्यूमन एक्शन को इन अ वे ऑफ विच आर एसेप्टेबल बाय द सोसाइटी एंड एथिक्स जो है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी है जिसका मतलब होता है विच ड्यूटी इज डन बाय द इंडिविजुअल विच इज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी सिंपल फॉर्म आप लिख सकते हैं एथिक इज अ सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दे अफेक्ट हाउ पीपल मेक डिसीजन एंड दे लीव देर लाइफ तो एथिक जो है कंसर्न करता है कि वट इज गुड फॉर द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी And it also describes the moral philosophy. So it is a branch of philosophy which involves the systematic study of human actions from the point of view. ऑफ़ ह्यूमन एक्शंस ऑफ इट्स राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस तो क्या सही एक्शन है और क्या गलत एक्शन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टमेटिक स्टडी जो है रिलेटेड है विद द एथिक्स एंड इट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी तो आप देखते हैं कि एथिक्स टर्म्स कहाँ से डिराइव किया गया इट इज डिराइव फ्रॉम द एंशंट ग्रीक वर्ड इथोस जिसका क्या मतलब होता है कस्टम एंड ह्यूमन कैरेक्टर तो इसको मॉरल फिलोसफी भी कहा जाता है बिकॉज इन द सर्च ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ देर इज अ डील ऑफ द राइट कंडक्ट एंड गुड लाइफ तो एथिक्स जो है एक राइट कंडक्ट और गुड लाइफ से रिलेटेड है तो इसलिए इसको एक मॉरल फिलोसफी भी बोला जाता है और एथिकली ये पॉसिबल है कि हम जो है ए, 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 एक्ट करते हैं अगेंस्ट आर नेचर विच आर बेस्ड ऑन द कंसाइंस तो ये एथिक्स ही हैं जो हमें स्टॉप करते हैं कि हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं कि हमें विच इज लाइकली टू बी हैपन हमें क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है एंड विच कैन अलोअ टू मेक द जजमेंट अबाउट व्हाट शुड हैपन सो एग्जाम में जब क्वेश्चन एथिक्स से रिलेटेड आएगा तो आपको सबसे पहले एथिक्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है एग्जाम्पल देना है इसका और ये फ्लो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है वहां पर एथिक्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मॉरल वैल्यूज प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट विच आर रिलेटेड विद द फिलोसफी ऑफ आइडल गुड लाइफ एंड दिज आर ऑल्सो रिलेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन तो रूल्स एंड रेगुलेशन दीज आर रिलेटेड विद द मॉरल चोइसेज तो ये फ्लोर डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है टू दैट आपको एक्सप्लेन करना है एथिक्स के बारे में कि एथिक्स जो है दीज आर द फीलिंग्स लॉज एंड द सोशल लॉम्स जो डेविएट होती है फ्रॉम व्हाट इज एथिकल और नॉट टू दैट आपको बताना है कि एथिक्स जो है दीज आर आल्सो द मीन्स विच आर कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ उफ स्टडिंग आर ओन मॉरल बिलीव तो हमें अपने मॉरल बिलीव को स्टडी करना होता है एथिक्स का मतलब यही है कम टू वट इज द एसेंस डिटर्मिनेट एंड ऑफ द एथिक्स एथिक्स तो में जो है मॉरल वैल्यूज का क्या रोल है तो मोरालिटी देखते हैं सबसे पहले मोरालिटी क्या है मोरालिटी जो है इट इज डिराइड फ्रॉम द लेटिन वर्ड मोरालिटस जिसका मतलब होता है कैरेक्टर सो मोरालिटी इट इज बेस्ड ऑन द वस वॉइस ऑफ कॉन्साइंस तो जब भी कोई पर्सन अपनी विल के या मोरालिटी के अगेंस्ट काम करता है तो उसको जो है एक कंसाइन सेल्फ गिल्ट फील होने लगता है दोनों तो के बीच में यही रिलेशन है कि जो मोरालिटी है इट इज एन इंडिविजुअल परसपेक्टिव एंड एथिक्स इज अ सोसाइटल वन द कम टू वट आर द ह्यूमन एक्शन रिलेटेड विद द एथिक्स तो ह्यूमन एक्शन जो होते हैं दीज आर रेफर टू द कंडक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल तो एथिक्स जो है गाइड करते हैं एक लाइट प्रोवाइड करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग तो बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं गुड वर्सेस बैड के वो तीन प्रिंसिपल हैं फर्स्ट इज थॉट सेकंड इज कंडक्ट एंड थर्ड वन इज बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल तो ह्यूमन एक्शन होता है वो मोस्टली मैनिफेस्ट करता है कि उसकी नेचर ऑफ चॉइस क्या है बिटवीन टू और मोर कोर्स ऑफ एक्शन कि एक पर्सन को क्या कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना चाहिए क्या राइट right है और क्या जो है उसको हार्म नहीं करेगा अदर्स के लिए एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और उसने देखा है कि चीता जो है वो डियर को कैच कर रहा है तो उसके पास दो कोर्स ऑफ एक्शन है या तो वो डियर को सेव करेगा या फिर वो फोटो लेगा तो अगर वो फर्स्ट ऑप्शन को चूज करता है तो इसका मतलब है कि वो एक प्रीशियस लाइफ को सेव कर रहा है बट अगर वो सेकंड ऑप्शन को चूज करता है तो वो भी गलत नहीं है बिकॉज इट इज़ इन अकोर्डेंस विद प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ फोटोग्राफर तो इन दोनों केसेस में इट डिपेंड्स अपॉन द कि उसकी कोर्स ऑफ एक्शन की चॉइस क्या है म टू वट आर ह्यूमन वैल्यूज तो ह्यूमन वैल्यूज जो होती है दीज आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुडनेस एंड दैट गाइडलाइन द शेप ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल तो वैल्यूज जो होती है ये प्रेफर करती है उन थिंग्स को विच ही और शी और एनी इंडिविजुअल वैल्यूज वेरी मच तो ये एक इंडिविजुअल की प्रेफरेंस है कि उसकी वैल्यूज क्या है अगर सोसाइटी के अंदर वो प्रेफर करता है किसी चीज को तो वो उसकी सोसाइटल वैल्यू कहलाती है देर आर सम एग्जाम्पल फॉर द ह्यूमन वैल्यूज फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट जो है कंसिडरेशन किसी चीज के लिए या अप्रिशिएशन एंड लिसनिंग ओपनेंस एंड लव एम्पेथी टूवर्ड्स द अदर ह्यूमन बींग्स दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन ह्यूमन वैल्यूज को कोई भी इंडिविजुअल कैसे प्रैक्टिस में अपनी एथिकल वैल्यूज में इंकलकेट कर सकता है लाइक like जस्टिस के थ्रू इंटीग्रिटी के थ्रू या रिफ्यूजल ऑफ वस के थ्रू इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इट कि हाउ आर ह्यूमन वैल्यू बिकम एथिकल तो कैसे एक ह्यूमन वैल्यू एथिकल होती है तो इट हैज टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशन तो इसको दो कंडीशन होती है कि एक तो ये वैल्यूज जो है दीज आर अप्रूव्ड बाय द सोसाइटी एंड अदर कंडीशन इज इट डज नॉट हार्म एनी

इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए इंडिविजुअल कि वो अडोप्ट करे राइट right वैल्यूज को और एनकरेज करे कि वो रोंग वैल्यूज को डिस्कार्ड कर सके सो सोसाइटी लेवल पे अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि कोई भी अगर रोंग वैल्यूज है कोई भी नेगेटिव सेंशनस है लाइक like जिससे दूसरे को हार्म पहुंचे तो उस वैल्यूज को डिस्कार्ड कर देना चाहिए और जो भी राइट right वैल्यूज है लाइक पॉजिटिव सेंक्शन है उसको जो है लाइक like दूसरों को रिस्पेक्ट देना ट्रीट करना एम्पेथी करना तो इन सबको इंकलकेट करना चाहिए अपने Me life kind कम टू वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू कितनी तरह की वैल्यूज होती है तो देर आर सो मेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज क्या होती है लाइक like, एक पर्सन के अंदर ओनेस्टी होती है अगर इंटीग्रिटी है अगर करेज है तो इट कम्स अंडर द इंडिविजुअल वैल्यू सोशल वैल्यूज क्या होती है अगर कोई इंडिविजुअल किसी के लिए सिंपथी रखता है कोर्डिनेशन से वर्क करता है या कॉपरेशन रखता है तो वो उसकी सोशल वैल्यू कहलाती है नाउ कम टू वट आर द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू तो ऑर्गेनाइजनल वैल्यूज होती है द सर्विस इन द मेडिसन या कोई भी ट्रूथ या जर्नलिज्म में कोई सच्ची बात लिख रहा है या कोई भी प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर दो दीज वैल्यूज आर कम अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज नाउ नेक्स्ट वन इज एकेडमिक वैल्यूज तो डिबेट्स डिस्कशन इंक्वायरी एंड एनी क्वेश्चनिंग कम अंडर द एकेडमिक वैल्यूज फिजिकल वैल्यूज में क्या होता है रनिंग स्विमिंग एक्सरसाइजिंग स्पोर्ट्स करना योगा करना तो दीज आर द फिजिकल वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है लाइक लिबर्टी इक्वालिटी फ्रटनिटी सोवरानिटी एंड सोशल जस्टिस सिविक वैल्यूज हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस रखना नेशनलिज्म पैट्रोटिज्म ये सब जो है सिविक वैल्यूज हैं इन्वायरमेंटल वैल्यूज कौन कौन सी हैं कंजर्वेशन करना नेचर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पीसफुल होना को होना सो दीज आर कम अंडर द इन्वायरमेंटल वैल्यूज टू इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एथिक्स तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वट इज द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन बिल्डिंग द ह्यूमन और एथिकल वैल्यूज तो सबसे पहले सिविल सर्वेंट का रोल देखते हैं तो एक सिविल सर्वेंट जो होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन बिल्डिंग द वैल्यूज इन द सोसाइटी अगर और ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग द गुड वैल्यूज इन द सोसाइटी तो कैसे क्रिटिकल रोल प्ले करता है सबसे पहले देखते हैं कि एक सिविल सर्वेंट जो होता है वो मोस्टली उसके टास्क होते हैं कि विद द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ वो लॉ को एनफोर्स करे सोसाइटी के अंदर और मोस्ट ऑफ केसेस में जो लो होते हैं ये पनिश करते हैं जो भी रॉन्ग या बैड वैल्यूज होती हैं सोसाइटी के अंदर तो ये एक इम्पोर्टेंट रोल है सिविल सर्वेंट का दूसरे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि सिविल सर्वेंट जो होता है इट इज लाइक अ फिगर हेड ऑफ द सोसाइटी तो इसी सिविल सर्वेंट को देख कर ही लोग जो है अपना रोल मॉडल बनाते हैं फिगर मतलब हेड बनाते हैं तो उस उनकी वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं सोसाइटी के अंदर फॉर एग्जाम्पल ही और शी कैन हैव समाइट वैल्यूज होनी चाहिए उनके अंदर और वो पंक्चर होने चाहिए अपने वर्क के लिए सो दैट ही और शी विल गिव गु मैसेज टू दोसाइटी इन टूडेज वर्ल्ड सिविल सर्वेंट जो होते हैं दे हैव दूस फॉलोइंग ऑन द सोशल मीडिया पे तो इनको जो है ही और शी शुड हैव दोस्ट अबाउट दोज पीपल हु लीड अ लाइफ ऑफ नोबल वैल्यूज तो इससे जो है नोबल वैल्यूज की डेवलपमेंट होगी और पावर भी जो है नोबल वैल्यू की वो पॉजिटिविटी का एटमोसफेयर डेवलप करेगी ऑन द सोशल मीडिया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल इज रिलेटेड विद दी और शी अटेंड द सो मेनी पब्लिक फंक्शन लाइक दे हैव टू विजिट द स्कूल एंड द कॉलेजेस एंड टू मोटिवेट दंग माइंड टू एनकलकेट द राइट वैल्यूज तो इससे भी जो है की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी के अंदर बाय अ सिविल सर्वेंट एंड अनदर इम्पोर्टेंट रोल इज सिविल सर्वेंट जो दे कैन फोकस ऑन द चाइल्ड प्रोटेक्शन होम रिमांड होम जो होते हैं जेल एंड दे कैन ट्राई टू बिल्ड द राइट वैल्यूज इन द इनमेट जो होते हैं जो कैदी होते हैं उनके अंदर भी राइट right वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज इंकल्प्रेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर एग्जाम्पल जो एक्स आई जो किरण बेदी जी हैं उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था तिहाड़ जेल को विच इज द वर्थ मैंशनिंग एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख सकते हैं फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टूडेज एथिक्स टॉपिक होप सो आप सबको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद द एग्जाम तो आप उसको भी लिखिएगा वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सो दैट आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप न्यू वीडियो को देख सके और टेलीग्राम चैनल पे भी आप जो है एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज के नाम से सर्च कर सकते हैं उसको जरूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज वहाँ पर हम आपको मेन्स से रिलेटेड और पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं विल मेड सोन विध न्यू वीडियोज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड द ग्रुप्स ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग एस्पायरेंट्स जय हिंद